हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। आज हम बात करने वाले हैं फिमोरल हर्निया की। तो सबसे पहले नाम सुनते ही लगता है कि हर्निया क्या है। तो हर्निया क्या होता है ना, कि एब्डोमन की दो वॉल होती है, एक एंटीरियर वॉल और एक पोस्टीरियर वॉल। मतलब दो वॉल का मतलब है दो पेरिटोनियम की लेयर होती है एब्डोमन के अंदर, जो उसको उसके जो कंटेंट्स है उसको बाहर आने से रोकती हैं। अगर अब इस एब्डोमन की लेयर में आगे या पीछे कोई भी लेयर अगर कहीं से भी वीक है, तो वहाँ से चांसेस होते हैं एब्डोमन के कंटेंट के बाहर आने के। इसी को हम कहते हैं हर्निया। तो हर्निया क्या है? हर्निया इज द प्रोट्रूजन ऑफ एनी एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू एनी ऑफ इट्स वॉल्स। मतलब उसकी एंटीरियर वॉल या फिर पोस्टीरियर वॉल से कहीं से भी अगर कोई एब्डोमिनल कंटेंट प्रोट्रूड होता है, मतलब बाहर की तरफ निकलता है, तो उसे हम कहते हैं हर्निया। आपने नाम सुना होगा इंग्वाइनल हर्निया का या फिर फिमोरल हर्निया का। तो अब आज हम बात करने वाले फिमोरल हर्निया की। फिमोरल हर्निया में ऐसा क्यों होता है फिमोरल हर्निया? क्योंकि इसमें भी कोई वीकनेस का पॉइंट होगा। तो फिमोरल हर्निया के अंदर जो वीकनेस का पॉइंट है वो है फिमोरल कैनाल। फिमोरल कैनाल जो है वो पोटेंशियल वीकनेस का एक एरिया होता है, क्योंकि कैनाल हो गया, खाली एरिया पड़ा है, वहाँ से अंदर कोई भी एब्डोमन का कंटेंट उसके थ्रू बाहर आ सकता है। तो फिमोरल कैनाल जो है वो वीकनेस का एरिया होता है। फिमोरल कैनाल वीकनेस का एक एरिया है। अब फिमोरल कैनाल के थ्रू कैसे फिमोरल हर्निया होता है, ठीक है, इसकी हम बात करें तो फिमोरल हर्निया की डायरेक्शन ना ऐसे होती है। पहले फिमोरल कैनाल के अंदर कोई भी एब्डोमन का कंटेंट आएगा, मेनली ना ये एब्डोमन का जो कंटेंट होता है वो इंटेस्टाइन होता है, ठीक। तो मेन कंटेंट क्या हो गया? इंटेस्टाइन। अब पहले डायरेक्शन क्या है, पहले नीचे की तरफ आएगा कोई भी एब्डोमन का कंटेंट, फिर वो ना आगे की तरफ जाता है फिमोरल शीट के अंदर से होते हुए, फिर वो नीचे आगे की तरफ जाएगा किसके थ्रू? सेफेनस ओपनिंग के थ्रू, और फिर उसकी डायरेक्शन हो जाती है ऊपर की तरफ। बाद में वो फेमोर जो वेसल्स हैं, अलग अलग सुपरफिशियल वेसल्स हैं, उनके अलोंग ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। तो ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ हर्निया है। मतलब कोई भी अगर इंटेस्टाइन अगर बाहर आ रही है, तो वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे पहले नीचे आएगी, फिर आगे की तरफ जाएगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी। ये डायरेक्शन होती है फेमोरल हर्निया की, ठीक है। अब हम बात करें कि फीमेल्स के अंदर, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फीमेल्स के अंदर जो फीमोरल हर्निया के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसका क्या रीज़न है? तो क्यों ज़्यादा होता है? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जो फीमेल्स के अंदर जो फीमोरल कैनाल का जो साइज़ है वो बड़ा होता है। तो फीमोरल कैनाल जो है फीमेल्स के अंदर वाइड होती है, मतलब ज़्यादा चौड़ी होती है फिमोरल कैनाल। अब इसका क्या रीज़न है, क्यों भाई बड़ी क्यों है? तो क्या आ रहा था फिमोरल शीथ में? फिमोरल वेसल्स आ रही थी और एक फिमोरल कैनाल था। तो या तो फिमोरल वेसल्स का साइज छोटा होगा जिस वजह से फिमोरल कैनाल का साइज ज़्यादा हो गया। तो इसका एक रीज़न आता है कि फिमोरल वेसल्स स्मॉल है, ठीक है। या फिर दूसरा इसका जो रीजन है वो ये है कि पेल्विस जो है फीमेल्स के अंदर वो वाइड होता है, जिसके कारण उसमें फिमोरल हर्निया के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब अगर फिमोरल हर्निया का स्ट्रेंगुलेशन हो गया, स्ट्रेंगुलेशन मतलब जो भी पार्ट एब्डोमन का उसके थ्रू आ रहा है उसकी ब्लड सप्लाई रुक गई कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण, ज्यादा दब गया उसके अंदर वो फिमोरल कैनाल के अंदर, तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे? कुछ ना कुछ काटना पड़ेगा, मतलब फिमोरल कैनाल को हमें और बड़ा करना पड़ेगा। तो ये हमारी फिमोरल शीट थी, ठीक है, ये वेसल्स थी, आर्टरी और वेन, और ये हमारी थी कैनाल, ठीक है। तो ये थी कैनाल कोन शेप की। तो अब अगर इसको बड़ा करना है तो इस तरफ से तो बड़ा नहीं कर सकते, ये लेटरल है, ये मीडियल है, लेटरली तो आप बड़ा कर नहीं सकते क्योंकि इधर तो वेसल्स हैं वो कट जाएंगी। तो हमें इसको मीडियली ही काटना पड़ता है। तो मीडियल साइड में क्या था फिमोरल रिंग के? लेक्यूनर लिगामेंट। तो हमें इसमें लेक्यूनर लिगामेंट पे कट देना पड़ता है, जिसके कारण हमारा फिमोरल कैनाल का साइज जो है वो बढ़ जाएगा और स्ट्रेंगुलेशन जो है वो ठीक हो जाएगी।
अब लैक्यूलर लिगामेंट को काटते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि ज़्यादातर लोगों में तो नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है ना, एक एबनॉर्मल ऑब्टुरेटर आर्टरी प्रेजेंट हो सकती है। मे बी प्रेजेंट, ठीक है, तो एबनॉर्मल ऑब्टुरेटर आर्टरी के प्रेजेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें बात की सबसे पहले कि हर्निया क्या होता है। कोई भी एब्डोमन का कंटेंट उसकी किसी वॉल के थ्रू बाहर आए तो उसे हम कहते हैं हर्निया। ठीक है, उसके बाद हमने बात की फिमोरल हर्निया की। फिमोरल हर्निया क्या था, फिमोरल कैनाल में वीकनेस के कारण हो रहा है। फीमेल्स में फिमोरल हर्निया के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि फिमोरल कैनाल वाइड है। फिमोरल कैनाल क्यों वाइड है, क्योंकि फिमोरल वेसल्स का साइज छोटा है और पेल्विस जो है वो वाइड है। हमने बात की स्ट्रेंगुलेशन अगर हो जाए तो क्या करेंगे, तो हमें लैक्यूनर लिगामेंट को काटना पड़ेगा ताकि जो जो फिमोरल कैनाल का साइज़ है वो बड़ा हो जाए। काटते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एबनॉर्मल ऑब्टुरेटर आर्टरी कुछ लोगों में प्रेजेंट हो सकती है लैक्यूनर लिगामेंट के अलोंग, तो वो ना कट जाए। तो ठीक है, हमने बात की फिमोरल हर्निया की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।